नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो आपसे मैं शेयर करने जा रही हूँ, इस प्लांट के ढेरों नाम हैं। जैसे ये आपका है एक लीफा, ये केसियाना इसको कहते हैं, इसके बाद इसको खलीफा प्लांट भी कहते हैं, बिल्केसीना भी कहते हैं, ट्राई कलर भी कहते हैं, कॉपर लीफ भी इसका नाम है, और इसको जावा या जंगली ड्रैगन भी कहते हैं, और भी ढेर सारे इसके नाम हैं। तो इसको आप अपने बगीचे में लगा सकते हो, ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। और दोस्तों, इसके लिए मैं जो बात करने जा रही हूँ, आप जो यहाँ प्लांट देख रहे हो, एक गिफ्ट में मेरे पास आया था और एक दिन लगाने में मुझे लेट हो गई, जिसके कारण ये थोड़ा मुरझाया हुआ भी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये लग जाएगी आसानी से। और इसको मैं यहाँ जो लगा रही हूँ, ये सॉयल आपसे शेयर कर दूँ कि ये सॉयल खेत की है, मिट्टी, और उसमें सैंड मिले हुए हैं, 60% खेत की मिट्टी है, जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट मेरे सॉयल में मिले हुए हैं, और 40% उसमें मैंने सैंड मिलाई हुई है, और उसको मिलाकर मैंने इसमें भरा है। दोस्तों, इसको मैं आपको कटिंग से भी लगाकर दिखाना चाहती हूँ, और इसके लिए आप देख रहे होंगे जो नोड एरिया है, इससे थोड़ी सी नीचे आपको कटिंग लेनी होती है, तो इसकी कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाती है। दोस्तों, ये जो प्लांट मुझे ला करके उसने दी है, जो बच्चे ने, वो भी कटिंग से ही ग्रो की हुई है, और ये आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें से कटिंग निकाली है ऊपर से, क्योंकि बहुत बड़ा ये प्लांट हो रहा था, और इसको मैं इसमें जो सॉयल आपको बताई है, इसमें इसको लगा कर ग्रो कर देती हूँ। दोस्तों, इसके लिए कुछ बातें भी करते रहते हैं आप, में आप देखोगे इसमें फ्लावर भी आते हैं, और इसके फ्लावर जो आते हैं उसके मेल और फीमेल दोनों हिस्से अलग अलग होते हैं, मेल भाग और फीमेल भाग दोनों इसमें अलग अलग आपको दिखाई देगा इसके फ्लावर में, और जो सीड बनते हैं उससे भी आप इसको ग्रो कर सकते हो। और इसमें सॉइल की तो मैंने बात कर ली है, धूप की बात करें तो ये शेड जो है थोड़ी शेडी एरिया में भी ग्रो कर जाता है और धूप में भी ग्रो कर जाता है, लेकिन पार्शियल शेड सबसे बेहतर रहता है। दोस्तों, मैंने इसमें कटिंग को ग्रो करने के लिए कोकोपीट और परलाइट ली है। अगर आपके पास कोकोपीट परलाइट नहीं हो तो आप सॉइल में भी इसको ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, इसमें मैंने कोकोपीट और परलाइट को भर के एक छोटे से नन्हे से डब्बे में रख लिया है, और मैं आपसे यहाँ बात कर लूँ कि अगर आपके पास कोकोपीट या परलाइट न हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, खेत की सॉइल में सैंड मिलाकर आप ग्रो कर सकते हो, और कटिंग इसकी छोटी से छोटी भी आप ग्रो हो जाती है। मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, और इसमें मैंने पहले पानी डाल दिया है ताकि ये इसमें जब इसको डाले तो इस पर कोई असर ना हो। इसमें 1-1.5 इंच तक इसको नीचे कर देनी है, अगर थोड़ी छोटी है तो इसमें थोड़े कम भी डालेंगे, 1 इंच डाल करके ही इसको छोड़ देंगे, और बगल की मिट्टी को दबा देनी है, और छाए वाली धूप में इसको रखनी है। दोस्तों, इसको कॉपर लीफ भी कहते हैं, एवर ग्रीन सर्व है, पार्शियल या छाए वाली धूप अच्छी होती है, लेकिन इसके लिए हवा तेज जो है अच्छी नहीं होती है। आप देखे होंगे कि इस तरह से इसके स्टेम जो है गिर गए थे, और मैंने कटिंग करके उसकी हटाई है। दोस्तों, इसको जावा भी कहते हैं और व्हाइट प्लांट भी कहते हैं। इसके नाम पर तो आप बहुत सारे नाम, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप अगर कहीं पर जाओगे और आपको देने में, खरीदने में कोई भी नाम उसमें से लोग सुना सकते हैं, बोल सकते हैं। दोस्तों, इसकी सॉइल जो रखनी है आपको, वो सॉइल इसकी अच्छी ड्रेनेज वाली होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रुकनी चाहिए, और इसकी सॉइल आपकी रिच भी होनी चाहिए, और ड्रेनेज अच्छी इसलिए रखनी है आपको क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पानी रुकना पसंद नहीं है। इस प्लांट के साथ बस यही एक परेशानी आपको होगी कि ना तो इसको बहुत ज़्यादा पानी पसंद है और ना बहुत कम पानी पसंद है,
और इसलिए आपको बहुत संभल के इसमें पानी देनी रहेगी, ओवर वाटरिंग नहीं करने रहेंगे। और दोस्तों इसके बाद जो है सो जो कटिंग मैंने लगाई है इसके बारे में मैं बात कर लूँ कि इसकी कटिंग आप सालों भर लगा सकते हो, ये सालों भर इसकी कटिंग लगाई जा सकती है। खाद की बात करोगे तो इसमें बर्मी कंपोस्ट काउ डंग सबसे बेहतर रहता है। दोस्तों इसमें मीली बग भी बहुत लगता है, मीली बग से बचाने के लिए आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। इसके खूबसूरत पौधे जिस पर धारीदार बने रहते हैं, धारियां बनी रहती है, ट्राई कलर का लाता है, यह येलो पिंक रेड उजला पर्पल बहुत सारे कलर में इस पर स्ट्रिप आते हैं। यह ऑर्नामेंटल प्लांट है, जितना ज़्यादा काटोगे कटिंग करोगे वो इतना ज़्यादा बढ़ेगा। दोस्तों इसमें व्हाइट रेड और पिंक कलर के फूल भी आते हैं और इसके लिए टेम्परेचर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही बेहतर होता है। इसे कम और अधिक होने पर हो सकता है कि आपके प्लांट में थोड़ी परेशानी होने लगे, इसलिए आप अपने यहाँ जो टेम्परेचर हो उसके अनुसार आप उसको छाई में या घर में ले जाकर रख सकते हैं। तो दोस्तों इस इतना खूबसूरत सा प्लांट लगाते हुए मैं आज आप लोगों से विदा ले रही हूँ, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।